रूस यूक्रेन युद्ध में एक तरफ अमेरिका समेत नेटो देश यूक्रेन के समर्थन में है, तो दूसरी तरफ रूस की ईरान और नॉर्थ कोरिया से नजदीकियां भी जग जाहिर है। इस युद्ध में रूस के आक्रामक होते जा रहे रवैये ने जता दिया है कि वो रुकने वाला नहीं है। अब ये खबर भी सामने आई है कि रूस के इस मकसद में नॉर्थ कोरिया भी हर तरह से भरपूर साथ दे रहा है और ये दावा किया है अमेरिका ने। अमेरिका का कहना है कि हाल ही में रूस द्वारा यूक्रेन पर दागे गए मिसाइल उत्तर कोरिया द्वारा दिए गए थे। रूस ने नए साल पर यूक्रेन पर हमला कर भयंकर तबाही मचाई थी। व्हाइट हाउस के राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के प्रवक्ता जॉन किर्बी ने गुरुवार को कहा कि हाल ही में सार्वजनिक की गई खुफिया जानकारी से पता चला है कि उत्तर कोरिया ने मॉस्को को हथियार मुहैया कराए थे। संयुक्त राज्य अमेरिका के पास हमारे प्रतिबंधों और एक्सपोर्ट नियंत्रण की वजह से अन्य देशों से रूस को मिलने वाले समर्थन के बारे में बताने के लिए नई जानकारी है। रूस विश्व मंच पर तेजी से अलग थलग हो गया है और उसे सैन्य उपकरणों के लिए समान विचारधारा वाले राज्यों की ओर देखने के लिए मजबूर होना पड़ा है। जैसा कि हम सार्वजनिक रूप से चेतावनी देते रहे हैं, उन राज्यों में से एक उत्तर कोरिया है। हमारी जानकारी से पता चलता है कि हाल ही में लोकतांत्रिक पीपल्स रिपब्लिक ऑफ कोरिया ने 30 दिसंबर 2023 को रूस को बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्चर और कई बैलिस्टिक मिसाइलें प्रदान की। रूसी बलों ने यूक्रेन में इन उत्तर कोरियाई बैलिस्टिक मिसाइलों में से कम एक को लॉन्च किया। ऐसा लगता है कि ये मिसाइलें ज़ापोरिज़िया क्षेत्र में एक खुले मैदान में गिरी थी। 2 जनवरी को रूस ने यूक्रेन में कई उत्तर कोरियाई बैलिस्टिक मिसाइलें दागी। इसमें रात भर का हवाई हमला भी शामिल था। इतना ही नहीं, ईरान को लेकर भी अमेरिका ने चिंता जाहिर की। किर्बी ने यह भी कहा कि ईरान से कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइलें हासिल करने के लिए रूस की बातचीत सक्रिय रूप से आगे बढ़ रही है। ये कवायद अमेरिका और पश्चिमी देशों के लिए भी खतरे का संकेत है, क्योंकि पश्चिमी देश ये बार बार कह चुके हैं कि रूस इस युद्ध के बाद भी यही नहीं रुकने वाला है। ऐसे में ईरान और नॉर्थ कोरिया का साथ आना रूस को और मजबूती से खड़ा कर रहा है, यानी पश्चिमी देशों के लिए खतरा और बढ़ रहा है। अमेरिका इस खतरे को बेहतर समझ रहा है और जानता है कि इनको अभी रोकना जरूरी है। किर्बी ने कहा कि वॉशिंगटन और उसके सहयोगी अब इस मामले को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में उठाएंगे, क्योंकि ये उत्तर कोरिया के खिलाफ अमेरिकी प्रतिबंधों के उल्लंघन का संकेत है। वैसे तो उत्तर कोरिया और ईरान अगर रूस की मदद कर रहे हैं तो इसके पीछे उनका अपना मकसद भी है। दोनों अपने परमाणु कार्यक्रमों को लेकर अंतर्राष्ट्रीय मंच से अलग थलग पड़ गए हैं और कई प्रतिबंधों का सामना कर रहे हैं। ऐसे में रूस उनके लिए भी मददगार हो सकता है। अब मदद की वजह चाहे जो भी हो, लेकिन इससे इस युद्ध में रूस के हाथ मजबूत होते दिख रहे हैं और यूक्रेन के मदद के हाथ खाली।